हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। आई एम ब्रजेश कुमार। विद न्यू वीडियो बेस्ड ऑन टीजीटी इंग्लिश प्रिपरेशन। दिस वीडियो इज बेस्ड ऑन रिमेनिंग पार्ट ऑफ प्रीवियस वीडियो। हियर क्वेश्चन नंबर 81 इज गिवन एज इन द ईयर 1637 मिल्टन कन्फाइंडेड टू हिज फ्रेंड दैट ही हैड फिक्स्ड हिज माइंड अपॉन राइटिंग सम मोन्यूमेंटल पोलिटिकल वर्क। सेलेक्ट अमंग द फॉलोइंग द नेम ऑफ हिज फ्रेंड टू हुम दिस इन्फॉर्मेशन वॉज गिवन। फ्रेंड्स, यहाँ पर आपको बताना है कि मिल्टन के मित्र का क्या नाम था सीधे शब्दों में। तो यहाँ पर एडवर्ड किंग इसका उत्तर दिया गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 82। हु कॉल्स मिल्टन गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड। यहाँ पर आपको बताना है कि मिल्टन को गॉड गिफ्टेड ऑर्गन वॉइस ऑफ इंग्लैंड किसने कहा है। इसका उत्तर यहाँ पे दिया गया है टेनिसन। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 83। फेल्टी दाई नेम इज वुमेन हु सेज दिस लाइन। यहाँ पर आपको बताना है कि फेल्टी दाई नेम इज वुमेन ये लाइन किसके द्वारा कही गई है। तो यहाँ पे इसका उत्तर दिया गया हैमलेट, जो कि शेक्सपियर की एक रचना भी है जिसमें हैमलेट जो है कैरेक्टर होता है जो इस लाइन को बोलता है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 84 इज गिवन एज 84 इज गिवन एज हेयर। क्वेश्चन नंबर 84 इज फॉर व्हाट इज द फ्रेज द माउथ ट्रैप यूज्ड शेक्सपियर। यहाँ शेक्सपियर ने द माउथ ट्रैप का यूज किसके लिए किया है ये आपको बताना है। तो 84 का यहाँ पर आंसर दिया गया है द प्ले विद इन द प्ले इन हैमलेट। हैमलेट में प्ले के अंदर जो प्ले होता है उसके लिए इन्होंने यूज किया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 85 इज विल नो वन टेल मी व्हाट शी सिंग्स पर हैप्स प्लेंटी नंबर्स फ्लो फॉर ओल्ड अनहैप्पी फॉर ए थिंग्स एंड बैटल्स लॉन्ग एगो द एब लाइन्स अकर इन। यहाँ पर आपको बताना है कि लाइन कहाँ पे आई है। 85 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा यहाँ द सोलिटरी पर, जो कि विलियम वर्ड्स वर्थ की रचना है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 86 इज इन विच पोएम हैज वर्ड्सवर्थ डिस्क्राइब्ड डिफरेंट मोड्स ऑफ नेचर। यहाँ पर आपको बताना है कि विलियम वर्ड्सवर्थ में जो है नेचर के डिफरेंट मोड का वर्णन किसमें किया है। 86 के लिए यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा लाइन्स रिटन अबव टिंटन अभी। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 87। द लेक डिस्ट्रिक्ट इन इंग्लैंड इज एसोसिएटेड विद। यहाँ लेक डिस्ट्रिक्ट जो कि इंग्लैंड में है ये किसे संबंधित है ये आपको बताना है 87 के लिए। यहाँ पर सही आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 88। हु सेड द पोएट इज अ मैन स्पीकिंग टू मैन। ये लाइन किसने कहा है ये आपको बताना है 88 के लिए। तो इसका आंसर है विलियम वर्ड्सवर्थ। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। क्वेश्चन नंबर 89। हु इज सिक ऑफ सेल्फ लव इन शेक्सपियर्स ट्वेल्थ नाइट। शेक्सपियर के ट्वेल्थ नाइट में सिक ऑफ सेल्फ लव ये किसको कहा गया है इसका आंसर आपको करना है। तो इस 89 का सही आंसर यहाँ पर दिया गया है मालवोलियो। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 90। द स्लीप वॉकिंग सीन अकर्स इन। स्लीप वॉकिंग सीन का मतलब कि किसमें कोई सोते हुए चलता है ये आपको बताना है। विलियम शेक्सपियर की रचनाएं दी गई हैं जिसमें से आपको बताना है। तो 90 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा मैकबेथ। मैकबेथ की लाइन है ये, मैकबेथ की सीन में ये कहा गया है। सो करेक्ट ऑप्शन इज बी। क्वेश्चन नंबर 91। द करेक्टर ऑफ जैक्स इन एज यू लाइक इट कैन बेस्ट डिस्क्राइब्ड एज। यहाँ पर विलियम शेक्सपियर की रचना एज यू लाइक इट के लिए आपको आंसर करना है। 91 के लिए सही आंसर हो जाएगा मेलान कोलिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज सी। क्वेश्चन नंबर 92। ही वॉज नॉट एन एज बट ऑफ ऑल टाइम्स हु सेड द अबव स्टेटमेंट ऑफ हुम। ये लाइन किसने और किसके लिए कहा है। 92 के लिए सही आंसर यहाँ पर हो जाएगा जॉनसन ने शेक्सपियर के लिए कहा है। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 93 इज गिवन हियर। यस, क्वेश्चन नंबर 93 इज इन द टेम्पेस्ट हु सेज द फॉलोइंग लाइन्स एंड व्हाई। यहाँ पर कुछ लाइन दी गई है जिसमें आपको बताना है कि किसने और क्यों कहा। आई विल ब्रेक माई स्टाफ बरी इट सर्टेन पाइथन्स इन द अर्थ एंड डीपर देन एवर डिड प्लूमेट साउंड आई विल ड्रॉन माई बुक। ये लाइन किसने और क्यों कहा है ये आपको बताना है। 93 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा प्रोस्पेरो ने ये लाइन कही है। प्रोस्पेरो ही एश्योर्स द वर्ल्ड दैट ही विल हैव नो मोर डीलिंग विद मैजिक। सो करेक्ट ऑप्शन इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 94। नो नाइटिंगल डिड एवर चैंट मोर वेलकम नोट्स टू वियरी बैंड्स ऑफ ट्रेवलर्स इन सम शैडी हॉन्ट अमंग अरबियन सैंड्स फ्रॉम वेयर आर द अबव कोटेड लाइन्स ऑफ वर्ड्सवर्थ। वर्ड्सवर्थ की लाइन कहाँ से है ये आपको बताना है। 94 के लिए यहाँ पर आंसर इसका दिया गया है सोलिटरी पर। सो करेक्ट ऑप्शन इज ए। क्वेश्चन नंबर 95। इट इज सेड दैट शेक्सपियर बेस्ड हिज जूलियस सीजर ऑन सर्टेन इंसिडेंट्स ऑफ हिज एरा विच ऑफ दीज इज इट सेट टू बी। यहाँ पर आपको बताना है कि जूलियस सीजर जो कि शेक्सपियर की रचना है इसमें जो है ये किसके लिए कही गई बात है। 95 का यहाँ पर सही आंसर हो जाएगा
द रेबेलियन ऑफ द ड्यूक ऑफ एसेक्स. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. क्वेश्चन नंबर 96. फ्रॉम हिच प्ले ऑफ शेक्सपियर इज द फॉलोइंग लाइन टेकन. यहाँ पर आपको बताना है कि ये लाइन जो कि इस प्रकार से है, ये कहाँ से ली गई है. लाइफ इज अ टेल टोल्ड बाई एन इडियट फुल ऑफ साउंड एंड फ्यूरी. ये लाइन जो है किसने कही है ये आपको बताना है. 96 के लिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ पर मैकबेथ. मैकबेथ यहाँ पर सही हो जाएगा. सो करेक्ट ऑप्शन इज सी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 97. इन विच कंट्री इज द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट. ओथेलो की कहानी कहाँ पर, किस कंट्री में सेट की गई थी, ये आपको बताना है. 97 के लिए सही आंसर हो जाएगा यहाँ वेनिस. वेनिस में ये कहानी सेट की गई थी ओथेलो की. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. क्वेश्चन नंबर 98. व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ प्ले ट्वेल्थ नाइट. ट्वेल्थ नाइट का उपशीर्षक क्या है ये आपको बताना है. 98 के लिए सही आंसर इसका हो जाएगा यहाँ पे और व्हाट यू विल. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 99. हैमलेट वाज रिटन बाय शेक्सपियर. द हैमलेट वाज रिटन बाय. हैमलेट जो कि शेक्सपियर की रचना है और द हैमलेट ये किसके द्वारा लिखी गई है आपको बताना है. 99 के लिए इसका आंसर दिया गया है फॉल्कनर. फॉल्कनर के द्वारा लिखी गई है. सो करेक्ट ऑप्शन इज डी. नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 100 इज गिवन हियर. यस, 100 इज एज लूसी पोएम्स बाय विलियम वर्ड्सवर्थ रिफर टू. विलियम वर्ड्सवर्थ की रचना लूसी पोएम किसको रिफर करती है आपको बताना है. 100 के लिए यहाँ पर आंसर हो जाएगा ए ग्रुप ऑफ फाइव लिरिक्स बाय वर्ड्सवर्थ. सो करेक्ट ऑप्शन इज बी. फ्रेंड्स, आज के वीडियो में बस इतना ही. मैं वीडियो बनाने का सिलसिला जारी रखूंगा, बशर्ते कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए. थैंक यू वेरी मच.